कहा था ना इतनी पुर्तियां ना दिखाओ। ना कुलमीना कहीं बागी जा रही है, ना उसका कहीं और रिश्ता हो रहा है, पर नहीं अब भुग तो। अल्लाह जाने मैं तुम्हारी बातों में आके क्यों वहां चली गई। असल में कसूर मेरा ही है, लानत है मुझ पर। तुम्हें वहां अकेला नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है वो नाराज ही इसी बात पर हुई है। उसने साफ साफ कहा था कि तुम और दाजी दोनों आओगे। दाजी को तुम्हारे साथ ना देखकर उसको यही लगा ना कि उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी गई। बस मुंह बंद रख अपना एक मत, खुदा के लिए मुंह बंद रख। जब तुझमें सोचने समझने की सलाहियत आ जाए ना तब बोलना। अम्मा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें दाजी को साथ ले जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए अपने घर वाले को जगह जगह बेइज्जत करवाती फिरो। मेरी बेइज्जती से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अभी तक एक ही बात चबाए जा रहे हो कि दाजी को क्यों नहीं लेके गई, दया दाजी को क्यों नहीं लेके गई उस कॉर्नर के दरबार पे। हाँ तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? जब वो इस शर्त पर रिश्ता देने के लिए राजी थी तो तुम क्यों नहीं लेकर गई दाजी को साथ?